Good morning, dear friends. Once again, welcome in the physics lecture. In the last lecture also, we have solved many problems regarding to the gravitation. Now, as the exam is concerned, major test is concerned, of course, we must be doing some practice for the major test. Okay, so practice for major test. तो मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसका थोड़ा हम यहाँ पे ओवरव्यू देते हैं। सारा दिन सिखाना 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 आपका पढ़ना 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 इतना ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली अपने को एक्चुअली वी हैव टू सी लॉजिकली द व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स टू बी लर्न्ड एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूले टू बी सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद important points to study, ये पहले important है। Okay, तो आज हम पहले important points to study कर लेंगे, उसके बाद में जितना problem हो जाएगा उतना फिर से problem solving का practice करेंगे। अपने पास जितना time है उसको utilize करके हम उसका करें। तो पहले सबसे पहले Newton's law of gravitation, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको जो फोर्स है वो फोर्स का आपको प्रॉपर्टीज देखना है। ओके, नंबर वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। दूसरा आता है फोर्स के सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वीक फोर्स है क्या है वो आएगा, रेंज कितना है उसका। बाद में इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट। बाद में आपको दूसरी बात है वो जो है सब इम्पोर्टेंट ग्राफ्स आपको लिख रहे हैं। इम्पोर्टेंट ग्राफ्स तो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स कौन कौन से हैं? तो पहले आएगा आपका एफ वर्सेस आर। तो एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ऐसे आया। बाद में ई वर्सेस आर, ग्रेविटेशनल फील्ड ई वर्सेस आर भी आपको रखना है। बाद में आपको जाना है जो वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी को उसके भी लिए आपको अलग अलग से फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। ग्राफ में हाँ ई वर्सेस आर की जगह आप वी वर्सेस आर के वेरिएशनल पोटेंशियल। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ आपको आप वो ग्राफ से वो दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में वो वहां से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मैं आपको यहाँ नाम वी एफ वर्सेस आर ई वर्सेस आर मतलब ई जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ई जी वर्सेस आर, जी वर्सेस आर, जी वर्सेस आर मतलब या पे इनसाइड ऑन द सरफेस आउटसाइड ये दिया है, समझ गए। इसके बाद में आपको आ जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेटिंग एफ नेट, प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेटिंग एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। आप अपनी नोट्स में उसको नोट डाउन, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, बाद में स्क्वायर आएगा, उसके बाद में रेक्टेंगल आ सकता है, एट द कॉर्नर्स एट द सेंटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नाउ वेरिएशन ऑफ जी, तो आपको क्या क्या करना है? पहला आपका जी एच, हाँ पहले जी कितना है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ऑन अर्थ सरफेस है पक्का बराबर, ये तो आएगा ऑन अर्थ सरफेस। ऑन सरफेस कितना आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में
जी एच वो आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट्स। और अगर आपका एच इज वेरिएबल के अंदर आ रहा है वो क्या आएगा जी एच जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर। तो यहाँ पे सब व्हेन एच इज वेरिएबल के अंदर आ। फिर से आपको मैं फॉर्मूला क्यों रिवाइज करके दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है आपको वो सब फॉर्मूला एक बाजू में उसके ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम सर ने सॉल्व किए सर ने उसके ऊपर वीडियो में क्या क्या बताया तो आपका स्टडी रहेगा मतलब आपके साथ ग्रेविटेशन का पूरा वीडियो अभी है इट इज़ ऑन यूट्यूब और यू हैव डाउनलोडेड ऑल्सो और ऑन योर फोन। तो वो जो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का क्या क्या वीडियो में बताया है अगर मैंने देखा नहीं है तो फिर से देखना है मुझे कुछ समझा नहीं है तो फिर से वो जाके वीडियो आपको देखना है अगर कुछ समझता नहीं है देन यू मे आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप रिगार्डिंग माय पॉइंट। इसके लिए मैं पॉइंट वाइज दे रहा हूं 4 हो गया जीडी जी इनटू 1 माइनस डी अपॉन आर ये तो रेगुलर फार्मूला है बराबर ये इंपॉर्टेंट चार फार्मूला है। बाद में आपको क्या देखना है जी एट ओ वैल्यू कितना आता है मतलब मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है जी एट इक्वेटर इसका फॉर्मूला नहीं है आपको खाली मैक्सिमम और मिनिमम रिमेंबर। तो क्या करोगे आप इंस्टेड ऑफ दिस आपको ऐसे करना है आप अपने मन को क्वेश्चन पूछो मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम ये छोटी छोटी सी बातें हैं अगर आपने इसको गौर किया इस बात पे देन आई डेफिनेटली से दैट यू विल बी नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो इफ द प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन योर लाइफ हाँ अच्छा चलेगा ना लाइफ ऐसा नहीं होता जितना प्रॉब्लम ज़्यादा हो आपको खुद को उतना प्रोग्रेस ज़्यादा करते हैं इसीलिए हम ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देते हैं लाइफ के प्रॉब्लम बल्कि फिजिक्स के अलग लेकिन अभी फिजिक्स के प्रॉब्लम के चलते अभी लाइफ में आपके प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम अगर कम करना है तो ये फिजिक्स वाला प्रॉब्लम आपको हंसते हंसते उसको सॉल्व करना है मेरे को मालूम है मैडम आई नो दैट हर एक स्टूडेंट का खुद का एक लिमिट होता है खुद का एक दिमाग का ये होता है क्या बोलते हैं उसको टैलेंट होता है हर एक का खुद का पावर होता है कितना ध्यान में रख सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते मैं भी आपके जैसा हूँ कॉमन हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता हूँ तो यहाँ पे इतना थोड़ा सीखा सकता हूँ आपको जो कुछ हो वैसे आपने अगर प्रैक्टिस किया तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ओके वेरिएशन विद लैटिट्यूड लैम्डा इसका फॉर्मूला आपने दिया है ये मैंने दिया है हाँ जी लैम्डा इज इक्वल टू सो लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा आर आर ओमेगा वो आएगा आर ओमेगा कॉस स्क्वायर लैम्डा हाँ तो वो उसमें आएगा इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आते हैं इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट कैलकुलेटिंग डेल्टा जी अपॉन जी परसेंट ये आपको कब आता है परसेंटेज चेंज इन जी वो निकाला देन परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज ये भी कैलकुलेट करना मुझे एनी क्वांटिटी इंक्रीज बाय सपोज जी का ऐसा नहीं है कुछ भी एनी क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 10% तो इसका आइडिया देके रखता हूँ Suppose if x is increased by delta की तरफ means तरफ 2 nanometer by nanometer x is increased by 10% मैं याद आया x dash is equal to x plus 10% of x है actually तुमसा basic है it is your basic still I think you should be doing that keep in mind
चेंज ओके दिख रहा है हां ठीक दिख रहा है x dash equal to x plus 10% of x so x dash will be x plus 10% मुझे 0.1x so x dash will be 1.1x ओके इंक्रीज्ड बाय अगर इंक्रीज 2 है तो ऑफ कोर्स उसका डबल हो जाएगा डबल मतलब 100% मतलब x डैश इज इक्वल टू 2x पहले वाला x और उसमें और x ऐड हो गया बराबर 100% हाँ इंक्रीज टू 200% मतलब उसका 200 अपॉन 100 मतलब x प्लस 2x 3 टाइम्स हो जाएगा ये ध्यान में रखो तो वो अगर 100% तक इंक्रीज किया इंक्रीज्ड टू 100% मतलब उसका डबल हो गया इंक्रीज्ड टू 150% मतलब उसमें डेढ़ बढ़ गया 1.5 बढ़ गया मतलब x प्लस 1.5x मतलब 2.5x बढ़ गया दुगुना से ज्यादा इंक्रीज टू 200% मतलब उसका 200% कितना आएगा x का वो आप निकाल सकते हो बराबर हाँ इंक्रीज टू 200% इंक्रीज बाय 100% मतलब डबल हो गया 200% तो x का 200% कितना आएगा 200 अपॉन 100 2x और 100% मतलब x में उतना तो x इज इंक्रीज टू 100% हाँ तो इंक्रीज टू का ज्यादा नहीं आता इंक्रीज बाय है अगर डिक्रीज बाय इसमें x इज डिक्रीज बाय 10% इसके उल्टा करेगा x डैश कितना है 1 में से 0.1 को हटा दो 10% टू 0.1 20% टू 0.2 ये बन जाएगा 0.9x ये क्यों बता रहा हूं परसेंटेज कैलकुलेशन में जी जी की अभी इधर ही नहीं है आपके टोटल फिजिक्स में आपको ये प्रॉब्लम का ऐसे वाले प्रॉब्लम का है रखना पड़ेगा तो परसेंटेज चेंज ये भी है और x x मतलब कौन सा भी रेडियस इंक्रीज बाय 10% मास इंक्रीज बाय 10% मास डिक्रीज बाय 20% व्हाटएवर उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना ही है दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो पॉज करके भी बाद में देख सकते हो दो मिनट के लिए बाजू में ये होने के बाद इसके आगे हम जाएंगे अभी थोड़ा सा वर्क डन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी तो आप क्या करो आपको फॉर्मूला सब ध्यान में रखना है वर्क डन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी So work done, then potential energy, ये सब चीजों को आपको पढ़ना है पहले आएगा work done, बाद में potential energy, then binding energy, binding energy के बाद में critical velocity, critical power, और vital speed, speed of velocity कुछ भी दे सकते हो और escape velocity समझ गए बेटा ये हो गई तो इसमें आपके पास फॉर्मूले हैं ये सब का फॉर्मूला आज इकट्ठा करो उसका लिस्ट बनाओ अभी मैं उनको दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बाद में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उस टाइम हम उसके ऊपर एक्सरसाइज करने ही इसके आगे पॉइंट आते हैं उसमें आता है आपका एक मिनट हाँ ठीक है ठीक है इसमें आता है टाइम पीरियड टाइम पीरियड का क्या आपको ये याद में रखना है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू ओके टी स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद में रखना है टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यू का ग्राफ ये टेस्ट पेपर में दिया है उसका स्लोप क्या आता है बराबर तो ऐसे ऐसे जो मैंने मॉड्यूल में आपके प्रॉब्लम दिए हैं उसमें से भी जो जो प्रॉब्लम मैंने आपके करवा के लिए एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम के ऊपर एम्फसाइज करना है मतलब करना है बाद में सैटेलाइट के भी सब चीजें सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी और टाइम इंपॉर्टेंट ये आपको करना ही है समझ गए और सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज
मतलब क्या, जैसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू कितना आएगा 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, डाइमेंशंस ऑफ जी वो लिखने का है आपको, अभी वो कैलकुलेट करके नहीं रहेगा नहीं जाऊंगा आपको, वो खुद को करना, डाइमेंशंस ऑफ जी बाद में ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाद में ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। अभी आप जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मतलब आपके पास पूरा डेटा है क्या क्या करना है, मैंने आपको सब दिखा के रखा है, तो अभी आपको ये सब चीज़ों को आपके पास नोट डाउन करके, मॉडल तो आपके पास ऑलरेडी है, मैंने सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम भी है और मॉडल के प्रॉब्लम भी है, तो वो सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। आप क्या करो, मॉडल वन मॉडल टू मोस्टली मॉडल वन टू इसको कंप्लीट करो, मॉडल थ्री जितना आता है उतना करो, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन मल्टीपल बाद में मैच द कॉलम्स वगैरह उसको मत, मॉडल वन टू एंड मोस्टली थ्री, वन टू इम्पोर्टेंट और मैंने दिया हुआ प्रॉब्लम, इसको अगर आपने रेफर किया तो डैम श्योर दैट यू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एग्जाम, आपके एग्जाम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके ठीक है, तो आज हम चल करते हैं, आज चल करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन से। आज की प्रॉब्लम मैं खुद दे रहा हूँ, तो आपको वो उधर से बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूंगा उस प्रॉब्लम को और आपको वो उसको लिखना पड़ेगा, मैं मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ लेके आया हूँ। ओके, अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, प्लैनेट हैज ट्वाइस द मास एंड रेडियस एज दैट ऑफ द अर्थ, सबने लिखा हो मोस्टली, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, अ प्लैनेट has twice the values of mass and radius that of the earth, acceleration due to gravity on the surface of planet is, acceleration due to gravity on the surface of planet is, ek minute ke liye ye kaun sa problem hai 12 4 9 10, इसको मेरे पास में रख के रखता हूँ, बाद में उसको आपको सेट। ओके, अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लैनेट हैज ट्वाइस द मास एंड रेडियस एज दैट ऑफ द अर्थ, तो हम इधर निकालते हैं अर्थ कैसे दिखेगी, ये अर्थ बन गई, हाँ इसको लिखता हूँ अर्थ और ये बन गया मेरा प्लैनेट, रेडियस ट्वाइस टू आर, हाँ इसको प्लैनेट टू। ओके, मास कितना आता है सर 2m, बराबर ना, मास होना आता है सर 2m, दैट इज r 2r, तो mp इज इक्वल टू 2m एंड rp इज इक्वल टू 2r, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीखते हैं, g का फार्मूला क्या है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा, g प्लैनेट g mp upon rp square, तो अभी उसमें आपको ऑप्शन दिया है 9.8 upon 2, 2.9, ऑप्शन मिलेगा आपका 4.9। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द आइडिया
about it. Okay, so I will suggest you to note this down. We'll go for the next problem. Mangya, abhi jaate hain. Problem number. प्रॉब्लम नंबर टू में क्या है? ओके, तो प्रॉब्लम टू में इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज जी. मैं एक बार रीड करता हूँ प्रॉब्लम को, बाद में आपको प्रॉब्लम मैं सेंड करूंगा. ओके, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज जी एंड मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द मून. मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स मास ऑफ मून. मास ऑफ मून, तो ये कितने नंबर का प्रॉब्लम है? 14 नंबर का. 48. ओके, देन क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी, सॉरी देखता हूँ एक मिनट, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम दैट ऑफ द मून. ओके, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फिस ऑफ मून. देखो मैं रीड करता हूँ प्रॉब्लम. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज जी एंड मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मून, द वैल्यू ऑफ जी एट द सर्फिस ऑफ मून विल बी. Value of g at the surface of moon will be g, g by 20, g by 5, 3 g, g by 20, कितना बाद में g by 5, 3 g by 5 and 3 feet. ओके, ये आपको एक्चुअली होमवर्क की तरह करना है. मैं आपको हिंट देता हूँ क्या क्या करना है, आपको बताता हूँ इसमें क्या है. हिंट क्या आएगा आप लोगों को इसमें आएगा? देखो, मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम मास ऑफ मून, सो फॉर अर्थ, पहले देखो फॉर अर्थ जी कितना है, जी एम अपॉन आर, तो अपने लिए कितना आएगा जी, जी एम अर्थ अपॉन आर अर्थ ब्रैकेट्स. लिख लिया आपने, हो गया, सब दिख रहा है? सभी जाते हैं आगे. फॉर मून क्या है? फॉर मून, मून के लिए क्या है? जी, इसको ई मतलब ये जी, आप सब जी है इसको जी, जी मून क्या हो जाएगा? जी इंटू मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, बराबर. तो यहां पर एम ई इज इक्वल टू 80 mm. 80 या 8 टाइम्स, ओ ना 80 टाइम्स, तो मास ऑफ मून कितना है? ME अपॉन 80, तो रेडियस ऑफ मून कितना है बेटा? रेडियस ऑफ मून आएगा RE अपॉन 4 आएगा. तो अभी क्या करते हैं, GM इज इक्वल टू G, मास ऑफ मून कितना लिखेंगे? ME अपॉन 80 डिवाइडेड बाय R, R मून आर ई अपॉन 4 स्क्वायर. इसको भी सॉल्व करते हैं, जी एम कितना आएगा? जी एम ई अपॉन ये 80 आर ई स्क्वायर बाय 16 ऊपर जाएगा, बराबर. सो ये 16 फाइव आर 80, तो जी एम ई अपॉन 5 आर ई स्क्वायर. ये क्या बन गया? ये तो बन गया मेरा कौन, ये जी बन गया, देखो बराबर आंसर रहेगा जी बाय 5. सो जी बाय 5 विल बी द करेक्ट आंसर. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन.
ओके ना। और एक प्रॉब्लम ले लो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक बाय 1%। हाँ ये होमवर्क क्योंकि हमने इतना क्या है, दो मिनट में हो जाएगा। प्रॉब्लम थ्री क्या है, हाँ चलो प्रॉब्लम लिखो, मैं दो बार रीड करता हूँ, आप लिख सकते हो। द वैल्यू ऑफ जी विल बी 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी विल बी 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। Surface of Earth at height of given R is equal to 6400 kilometer। Okay, और आंसर दिया है 6400 5700 576। Okay, ऑप्शन में 6400 5700 किलोमीटर। सी में क्या दिया है, 2560 6400 2560 and 6400 0। Okay, यार ओवर ऐसा वैल्यू ऑफ जी विल बी 1% ऑफ द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट। द वैल्यू ऑफ जी विल बी 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी डैश इज इक्वल टू 1% ऑफ जी, ऐसा है गिवन, आर ही दिया है, तो अपने को हाइट निकालना है। बराबर, हाइट कैसे निकालते हैं, ये आर है, ये सरफेस है, यहाँ पे एच आएगा जीरो, आर बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे आगे चला गया मैं, यहाँ पे सपोज मेरा अर्थ है ना, ये आर बन गया बेटा, ये बन गया आपका सरफेस, तो यहाँ R is equal to R बन जाएगा, मतलब H zero बन जाएगा। Suppose ये मेरा height है, इस height को मेरा G dash कितना बन रहा है, 1% of G, मतलब कितना 1% मतलब 1/100 of मैंने multiplied into G, so 0.01 G। तो इसका ratio कितना बन जाएगा, G dash by G G dash by G will be 0.01 बराबर और G का आपका वैल्यू मालूम है तो G dash कितना लिखोगे G M तो ऐसे रहेगा अपॉन R dash square and G dash G is equal to G M upon R square तो वो R dash का मालूम करना है आपको इसका कर सकते हो। तो G dash upon G कितना आएगा, G dash upon G GM upon R dash square into R square upon GM, ये करने का जरूरत ही नहीं है, G is inversely proportional to R square। ओके, समझ गए, उससे डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने रेशियो निकाला G dash by G का वैल्यू कितना है 0.01, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R upon R dash bracket square is equal to 0.01। इसमें से R आपको मालूम है, R dash कैरी हो गया R plus H, तो यहाँ पे हाँ यहाँ से चला है R upon R plus H is 0.01 तो 1/100। इसको उल्टा करो ब्रैकेट में ना, उसका उल्टा करो R plus H ब्रैकेट सॉरी upon R
स्क्वायर डिजिटल नंबर 100 का इक्वल टू 100। इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या बन जाएगा, यहां पे हमें थोड़ा सा जगह मिल रहा है, यहां पे दिखा दूं आपको, मतलब एक ही रूट में हो जाएगा, यहां पे भी जगह है नीचे, हां है, तो मेरा r plus h upon r कितना बन जाएगा बेटा, 10 बन जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, r plus h is equal to 10r, so h will be 10r minus r, मतलब 9r बन जाएगा, 9 into r, बराबर। तो अभी 6400 into 9, ये बन जाएगा 8। Very sorry for the disturbance. I just forgot to make that mobile silent. अभी 11 भी चालू हुआ है ना, तो बच्चों के फोन वगैरह आते हैं। ठीक है, very sorry. तो यहाँ पे कितना हो गया? क्या लगा 576. अभी इसको homework बनने में बोलने का जरूरत नहीं है, solve. Okay, I will suggest you to note down this. I know that किसी किसी बच्चे को लगा होगा, सर एकदम long cut में सब सिखाते हैं। बेटा मेरे को सब बच्चों को सिखाना है, ना कि केवल आपको। जिनको समझ रहा है वो अपनी स्पीड से फटाफट फटाफट शॉर्ट में उसको करते जाए, दैट इज गुड, वेरी नाइस। लेकिन जिनको नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चों सब लोगों के लिए मैं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है, अभी हम देयर आर मेनी फैकल्टीज व्हिच वी आर टीचिंग फॉर सेम टॉपिक, तो मेरा काम मैं समझता हूँ कि मेरे क्लास में जो लास्ट का बच्चा है जिसको कुछ नहीं समझता, उसको भी, मतलब किसी को भी होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसको भी समझना चाहिए। दैट फेलो ऑल्सो मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो आई ऑलवेज गिव द डिटेल मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो दोज हु आर गुड इन स्टडीज दे कैन स्टार्ट विद मच मोर प्रैक्टिस ऑफ द मॉडल, तो आप फटाफट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 4 कर लेते हैं। 4 में देखो, अ बॉडी वेइंग 20 केजी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू प्लेस, बॉडी वेइंग 20 केजी on the surface of earth, so w is equal to 20 20 kg bola hai na, on the surface of earth is taken to the place of 6400 km below the earth surface. Abhi kg diya hai, weight bole, lekin kg diya hai, jab tak aapko kg weight nahi to newton nahi dete, tab tak aapko samajhna hai ki wo body ka वेट नहीं, वेइंग बोले हैं, लेकिन वो बॉडी का मास। ओके, सो वेइंग ऑन अर्थ अभी 20 केजी, तो ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, अ बॉडी वेइंग 20 केजी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एट अ प्लेस ऑफ 6400 किलोमीटर below the earth surface, assuming earth's radius to be 6000 km, weight of the body at that depth. कभी का ही जरूरत है, एक बॉडी जो 20 केजी वेट कर रही है कहां पे, ऑन द अर्थ सरफेस, वन बॉडी व्हिच इज वेइंग 20 केजी इज टेकन टू द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस कितना, 6400। तो आपको मतलब बी ये दिया है बराबर, और आर कितना है आपको, आर इज गिवन, कितना दिया है वो भी दिया है 6000 किलोमीटर एंड उसका वेट बोला बराबर। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज मास ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। तो कहां पे पूछा है, सेंटर पे, तो आपको मालूम है एट सेंटर जी क्या है अपना जीरो पे, तो बॉडी विल आल्सो
बॉडी विल ऑल्सो वे वे जीरो केजी, जीरो हो जाएगा वेट बॉडी का, क्योंकि सेंटर पे कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है। अगर जी का वैल्यू जीरो है तो एम जी भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। लेट मी वंस अगेन रीड द प्रॉब्लम। अ बॉडी वेइंग 20 केजी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू अ प्लेस 6000 किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस, एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस टू बी 600 किलोमीटर, जो हम लेते थे 6400, अभी दिया है assuming the earth radius to be 6000 kilometers, sorry, the weight of the body at that depth is, of course, आएगा zero. Okay. तो चलो और एक problem देते हैं। Okay. और एक problem लेते हैं। उस problem में मैं आपको hint दे दूंगा, आपको solve करने हैं, पक्का पक्का। Okay. So I suggest you note this down. Problem number 5. Problem number 5 में आपको क्या दिया है, देखो बेटा, केपलर सेकंड सॉरी फिगर में दिया है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, एक फिगर दिया है, फिगर दिखा ऐसा एक फिगर दिया है, यहां पर आपका सन है और यहां पे ए बी सी डी, एस मतलब सर। क्या पूछा है, हाँ, इफ टी वन एंड टी टू रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट टू मूव फ्रॉम ए एंड बी एंड सी, तो टी वन टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to B, T2 time taken from C to D, आपको बोलना है T1 के बीच में रिलेशन, T1 dash dash T2 greater than less than equal to can't see, मैं क्या problem number 5 very important है, ऐसा आ सकता है आपके लिए, देखो आराम से केपलर्स सेकंड लॉ यहाँ पे यूज कर सकते, देखो केपलर्स सेकंड लॉ में क्या बताया आपको, हाँ केपलर्स सेकंड लॉ में आपको बताया है कौन सा है, वो लॉ ऑफ एरिया, क्या है लॉ ऑफ एरिया, तो एरियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट, तो उसमें एरियल वेलोसिटी, ओके एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अभी अगर एरिया अलग दिख रहा है, सॉरी शेप अलग अलग दिख रहा है, शेप अलग अलग दिख रहा है, तो आपको केपलर सेकंड लॉ में, हाँ केपलर सेकंड लॉ में आपको क्या दिया है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा, ओके तो ऑप्शन तो दिया है, ओके ऑप्शन तो दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मालूम है अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा है तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा, वही हम इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी के लिए, तो अपन को ठीक से बता सकते हैं कि यह आएगा इक्वल टू इवन विल बी इक्वल टू सिंस द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके आपने उसको सीखा है केपलर्स लॉ, ओके अभी आगे के लिए जाते हैं, ओके टू प्लैनेट्स आर मूविंग, ये एकदम सिंपल था, तो ज्यादा मैं इसमें प्रॉब्लम नंबर 6
बीच में उसको रोल डाउन around the sun. Time period and mean radii of the orbits are T1, T2, R1, R2. The ratio of T1, T2 is time period कितना है T1, T2 and orbit of radius कितना है R1 and R बराबर ना yes ratio of then ratio of T1 is to T2 is equal to question mark okay R1 by R2 options are R1 by R2 R1 by R2 bracket to the power 3 by 2 square and 3 by 2 बाद में 2R1 by R2 2R1 by R2 बाद में square बाद में R1 by 2R2 3 by 2 of course ये आपको मैं ये भेजूंगा लेकिन समझने के लिए सामने अगर problem हो अच्छा देखो two planets are moving around the sun time period of first is T1 time period of second is T2 पहले का orbital radius कितना है R1 दूसरे का orbital radius R2 तो ratio of T1 by T2 पूछ रहा है बराबर एकदम सिंपल है जिनको आता है वो अपने अपने करो वीडियो बन दो जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं करके दिखा दूंगा बेटा चलो देखो T1 by T2 is equal to question फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को याद रखना चाहिए कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर सो इफ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर आप क्या बोल सकते हो T1 by T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू R1 by R2 ब्रैकेट क्यू बराबर बराबर तो T1 by T2 कितना है ना इसका स्क्वायर 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 रूट लेते हैं R1 by R2 क्यू का स्क्वायर रूट 1 by 2 पर्टिकुलर का 1 by 2 स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर का 2 स्क्वायर रूट का 1 by 2 पावर क्यूब का 3 क्यूब रूट का 1 by 3 अबे क्यूब रूट नहीं निकल रहा है हमको अब हम करी ये निकल तो ये हो गया कितना आएगा R1 by R2 ब्रैकेट रेस टू 3 by 2 सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन ओके ठीक है अभी लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 मैंने क्या किया बीच में मैंने छोटा 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 प्रॉब्लम मांग लिया आज के लेक्चर में वो उसके ऊपर ज्यादा एम्फसिस कर रहा हूं ताकि आप भी हर एक प्रॉब्लम के ऊपर एम्फसाइज कर सको अभी प्रॉब्लम नंबर कितना हुआ 3, 6, 7 प्रॉब्लम नंबर 7 ले लो द डिस्टेंस ऑफ सॉरी नेपच्यून का कुछ तो बोल रहे थे एक मिनट ना 1 मिनट लेट मी फाइंड हाँ द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स नेपच्यून एंड सैटर्न ओके The distance of two planets, Neptune and Saturn, पहले मैं उसको रीड करता हूँ From Sun are 10 raised to 3, 10 raised to 12. Distance of Neptune and distance of क्या हो गया Neptune and Saturn. 10 raised to 13, 10 raised to 12. 12. Okay. The ratio of time periods of planets. ओके 100 1 बाय रूट 10 रूट 10 10 बाय रूट 10 100 1 बाय रूट 10
root 10 and 10 root 10. A, B, C and D. So simple, soap, exam soap. United, I will tell you. Okay. T square is proportional to R. T is equal to R. R. D is equal to R. So I can write it. T cube upon T center bracket square is equal to R cube upon R center bracket cube. So we have seen T cube upon T center is equal to R cube upon R center bracket cube. R Neptune is and R Saturn also it is given. So you can meter also. You can find that answer. So I suggest you to note this down and find the answer. Now we are going to problem number 8. So problem number 8 is what we have to do. We have done it. Now we are going to problem number 8. प्रॉब्लम नंबर 8 में अभी दिया है ओके अ सैटेलाइट ए ऑफ मास एम एक मिनट सैटेलाइट A of mass M is at a distance of R from the center of the Earth. At a distance of R from the center of Earth. Okay, center of Earth say yeah. And B is having mass 2m. And a distance 2r from the center. B is a satellite B of mass 2m is at a distance of 2r from the center. जैसे पहले वाले दिन है वैसे ओके तो क्या पूछा है टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो तो टी ए अपॉन टी बी क्या आएगा सेटेलाइट ए क्या है बोथ आर गोइंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ओके तो ए कितना है आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है यहाँ पे ए लिखना ऐसे आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है और दूसरा है दूसरा इसका इसका आंसर नहीं दूंगा मैं दूसरा है वो टू आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है इसको बी तो बी जो है वैसा टू आर डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो टी ए अपॉन टी बी आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ओके 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 16 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 16 एंड 1 बाय 2 रूट 2 ये आपको कैलकुलेट करना है दिस टेक इट एज अ होमवर्क डू इट ऑन योरसेल्फ नोट डाउन चलो बेटा अभी फटाफट और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्योंकि अपन के लिए वो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए ठीक है गेटिंग माय पॉइंट चलो और एक ले लो बेटा अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी वन प्रॉब्लम नंबर 9 सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी वन सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी वन ऑन अर्थ सर्फेस टी वन ऑन अर्थ सर्फेस पे सिंपल पेंडुलम का टाइम कितना है टी वन एंड टी टू when taken to height r above the earth's surface t2 when taken to height r diya hai na kitna diya height r above the earth's
surface. Where r is the radius of the earth. Where r is equal to radius of earth. Calculate t1 by t2. Calculate t1 by t2. 1 root 2 4 2. 1 root 2 4 kitna 1 root 2 4 and 2. Let me read. Simple pendulum has time period of t1 on the earth surface. Earth surface pe uska time period kitna hai? t1. And it has time period t2 when taken to height r above the earth surface. Where r is the radius of earth, calculate t1 by t2. Okay. Calculate t1 by t2. Abhi simple pendulum dekh kya hai? T is equal to 2 pi root of L upon G. तो वही सिंपल पेंडुलम हम दोनों केस में यूज कर रहे हैं. So actually I can say that 2 pi and L are constant. So I can write T is proportional to 1 by root G. So क्या मैं लिख सकता हूँ? T1 by T2 is equal to G root G2 by G1. बराबर G2 G1 on earth surface. Here G1 मतलब on earth surface. और G2 कहाँ है ना? At height r. ठीक है. तो अभी earth surface में G1 का वैल्यू G आता है अपना और height यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. द बेटा at height r is given. So actually we are having two formula. GH is equal to gm upon r plus h bracket square और दूसरा आता है gh is g into 1 minus 2h upon r. लेकिन ये फॉर्मूला है h is very very less than r दिया है लेकिन अपना हाइट अभी r कितना है तो ये अपना केस है इसलिए ये फॉर्मूला नहीं आ पाए. तो कैसे आएगा? सिंपल है, इसको करके दिखाता हूँ और बाद में आप उसका आंसर निकाल दो. खाली में हिंट दे दूंगा, सॉल्यूशन पूरा नहीं, आपको पूरा करना है. तो क्या करना है बेटा? G1 को लिखेंगे जी, G2 इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट बराबर. अभी GH अपॉन G मतलब G2 बाई G1 कितना आएगा? GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर अपॉन GM. GM ने G को काट. तो अभी G2 by G1 GM का वैल्यू मेरे को मिल गया. कितना आ गया बेटा? G2 by G1 का वैल्यू मेरे को आ गया कितना आ गया बेटा? R upon R plus H ब्रैकेट स्क्वायर. लेकिन उसका रूट निकालना है तो T1 by T2 will be equal to just root of that मतलब खाली R upon R plus H. तो भी R को वैसे रहेगा R plus H upon 2R सो आएगा 1 by 2. लेकिन रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 तो 1 by 2 आपका आंसर कहीं पे भी नहीं है तो वो कुछ तो देखना पड़ेगा. 1 by 2 रेशियो ऑफ क्या पूछे? हाँ T2 अपॉन T1 पूछे. हो T2 अपॉन T1 पूछे. ओके तो हो जाएगा. T2 बाई T1 पूछा है इसलिए वो प्रॉब्लम आ सकता है. ओके सो नोट डाउन दिस, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10. बेटा प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या है देखो. अभी मैं देता हूं. अभी अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. वेट फॉर अ व्हाइल. Satellite is moving around the earth. फटाफट लिख देता हूँ. Is moving around the earth. Okay. Satellite is moving around the earth. In order to escape
इट एस्केप इट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी इंक्रीज. ओके, इन ऑर्डर टू एस्केप इट द वेलोसिटी, इन ऑर्डर टू एस्केप इट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी इंक्रीज बाय. Let me repeat the question. A satellite is moving around the earth. In order to escape it, the velocity of satellite must be increased by 20%. Second, 41.4%. बाद में 1.41%. और D आएगा आपका not possible. ओके, ये क्वेश्चन लिख के लीजिए. क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो बेटा, सैटेलाइट है, इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. अर्थ के अराउंड अपना सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये अर्थ है और यहां पे बेटा इसी डिस्टेंस पे सैटेलाइट मूव कर रहा है. एक्चुअली सैटेलाइट को एस्केप करना है, सैटेलाइट को एस्केप करना है, हाँ? उसका एस्केप वेलोसिटी कितना है? अगर यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी आता है 2gm/r, और क्रिटिकल वेलोसिटी कितना आता है? gm/r. तो ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर उसको एस्केप करना है तो उसका एस्केप वेलोसिटी कितना है? 2×bc बराबर 2×bc. और इसको अभी आपके फॉर्मूले में डाल के इसको करो, नहीं आ रहे तो डाउट सेशन में आपको मैं बताऊंगा. ओके ठीक है, इसका आंसर लिख लो. इसका आंसर है बी. आंसर आ रहा है आपका बी. चेक करो, आई विल सजेस्ट यू टू चेक दिस. ओके, सो नोट डाउन दिस, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. लिख लो प्रॉब्लम. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on surface of moon is 1/6 that of the on the surface of earth. Problem number 11. Acceleration on the surface of moon is 1/6 that of the on the surface of earth. G is 1/6 that of the earth. Barabar hai. And diameter of moon is 1/4 of earth. D moon is 1/4 of diameter of earth. Kya pucha hai? Ratio of escape velocities on earth and moon. Escape velocity earth to escape velocity moon pucha hai. Kitna aaya? Options diya hai A, B, C, D. Ratio pucha hai. तो रेशियो दिया है √6/2, √24/3, √3/2, √24/3 और √3/2. ये पूछा है, ये आंसर है. तो ये दिया है, अभी इसके एकदम ठीक से देखो, हाँ, आपके लिए मैं उसको ठीक से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा. ओके तो ठीक है बेटा, तैयार रहो अपना नोटबुक लेके, पहले प्रॉब्लम को देखो, अगर आपको आ रहा है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो याद रखो. पहले लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला. VE इज इक्वल टू √2gm/r बराबर. तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको
चेंज कर, 2gm अपॉन आर है ना, बराबर। तो अभी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर, तो क्या हो जाएगा, रूट 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, बराबर। सो अर्थ के लिए कितना आएगा, वी अर्थ कितना आएगा आपका, वी अर्थ आएगा आपका, वी अर्थ आएगा आपका रूट 2gr के, अर्थ का रेडियस इतना आर, और मून के लिए आएगा आपका, मून के लिए कितना आएगा, वी मून एस्केप बस गया, तो वे क्या करते हैं, एक एक मिनट, वी एस्केप फॉर अर्थ एंड वी एस्केप फॉर मून, इतना का रूट 2gr, बराबर। मतलब मेरे को समझा कि एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट जी आर, प्रोपोर्शनल तो कुछ नहीं है, ve ऑफ अर्थ अपॉन ve ऑफ मून, बेटा आपको निकालना है, तो ve ऑफ अर्थ अपॉन ve ऑफ मून ये आपको निकालना है, तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट लिखो बेटा रूट ऑफ जी अर्थ आर अर्थ अपॉन जी मून आर मून, हो गया। अभी gm एंड g दिया है, बराबर, तो gm जहां पे है हाँ वहां पे g लिखो, और डायमीटर दिया है, अगर dm, हाँ dm इज r, d इज r by 2, बराबर। तो dm का कैसे लिख सकते हैं, dm को यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो rm, dm मतलब rm, dm by 2 मतलब rm ना, मतलब 2rm is equal to 1 by 4 into 2i, diameter 1, diameter 1/4 है, दोनों को काटो, so rm is re by 4, तो कितना आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी देन यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आपको बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है, हमने निकाला नहीं है अभी, आप निकालो, आंसर आ रहा है रूट 24, तो एक बार फिर से इसको चेक करो। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड मच मोर मेनी प्रॉब्लम्स, सॉरी यस्टरडे को हमने डिफरेंट प्रॉब्लम लिया था, अभी टुडे वी हैव टेकन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस में लो, क्योंकि क्या होता है अगर प्रैक्टिस आपका नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, आई विल सजेस्ट टू नोट डाउन दिस, ओके। और इसके बाद हम थोड़ा सा फिर से लास्ट में फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आगे चला पीछे का कुछ याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से आपको बता देता हूँ कि चार पार्ट करो, पहले पार्ट मैंने बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, उसके ऊपर इसके प्रॉब्लम एक पार्ट करो, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर एक पार्ट करो, ग्रेविटेशनल फील्ड उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं फील्ड उसका ग्राफ वो एक पार्ट करो, फील्ड के बाद में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ और एक चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हाँ VIMD, क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये बताना भूल गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ सिस्टम। तो अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू अभी थ्री पार्ट में लिख देता हूँ, ये मैंने हालांकि दिखाया आपको लेकिन एक बार उसका रिवीजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्री पार्ट का सिस्टम यू, तो क्या हो जाएगा, जी बाहर निकलेगा वो माइनस प्लस का आप समझ सकते, m1 m2 अपॉन r1 m2 प्लस m2 m3 अपॉन r2 m3 प्लस m1 m2 अपॉन r1 m3, और n पार्ट डिग्री के लिए कितना आएगा वो भी आपको बताया था, तो n पार्ट डिग्री के लिए कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही बढ़ाते
जाने का तो यू बन जाएगा जी, हाँ एम वन एम टू अपॉन आर वन टू प्लस वैसे ही एम टू एम थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस एंड सो ऑन, इसको ऐसे पढ़ाते हैं, सबका कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो ऑल कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो वन टू थ्री है तो वन टू टू थ्री वन थ्री बराबर। अगर समझो वन टू थ्री फोर है तो वन टू वन थ्री वन फोर इसका हो गया बराबर। बाद टू वन का भी हो गया तो वो लेने का जरूरत नहीं, टू थ्री टू फोर और बाद में थ्री फोर, समझ गए। तो इस तरह आप उसका कॉम्बिनेशन करके वो जो कुछ है उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोटेंशियल एनर्जी रिवीजन। और एक पॉइंट है आपको याद रखना है, और एक पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे भी परसेंटेज एरर नहीं तो परसेंटेज चेंज पूछा है, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग को दिया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आ रहा है डेल्टा जी अपॉन जी परसेंट, तो अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और तीसरी केस आपको हरदम याद रखना है, अगर h इज़ वेरी वेरी लेस देन r है तो ही आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया है जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला उसी केस में यूज़ करना है। तो बेटा ध्यान से रखो, चार चार पांच पांच बार मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू मेनी टाइम्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एट हाइट h निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि h कितना है। अगर h r के बराबर है तोल मोल में है तो आप वो फॉर्मूला नहीं ले सकते, h r के r से छोटा होना चाहिए, छोटा है तो उस केस में एवरेजिंग कर सकते हो, अगर r से बड़ा है तो डायरेक्टली आप जी एच का वैल्यू लिखो जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, जी का वैल्यू लिखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसका रेशियो ले लो, रेशियो से आपको समझ जाएगा r r अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर इतना आएगा आपका। सो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई नो दैट मच टाइम इज over, but it's very necessary for you people. So I think this is a sufficient revision. What to do tomorrow, that I will decide now. So ये सब problem है, उसका practice करो, सब problem solve करके अब उसका answer check करो। If you are having any doubt, any query, please feel free to ask the doubts on the WhatsApp or at the time of doubt session. Tomorrow once again we will meet in the physics lecture. Till that, stay home, stay safe and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Happy learning.